तो आज की क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आफ्टर दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेटा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, अभी कर देता हूँ। वन मिनट रुकिए, मैं जरा चैट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा अब मैं तुम्हें पहले तो क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। पहले वे वन बाई वन करके मैं वो डिस्कस करता हूँ और उसके बाद में जो क्वेश्चन मुझे कराने होंगे अलग से वो कराऊंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आपका ओपन करता हूँ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपने सॉल्व किया था, याद है आपको? एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज डायगोनल्स आर अलोंग द वेक्टर्स। आपको याद है? हाँ, मैंने आपको कराया था ना कि जो एरिया पैलोग्राम, एरिया क्वाड्रिलेटरल बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 क्रॉस d2। ठीक है, तो पैलोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर एरिया होगा 1/2 d1 क्रॉस d2। तो ये आएगा आई कैप जे कैप के कैप 8 -6, के कैप है ही नहीं, 3 4 -12, इसका जो भी आता है इसका मैग्नीट्यूड तो निकालते हैं। तो आ रहा है 72 आई कैप और 96 जे कैप प्लस 96 जे कैप और के कैप में आ रहा है 32 + 18, दैट इज 50 के कैप, ये आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग चालू हो जाती है अचानक से, तो शायद इससे अटक जाता है। बेटा आप क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आप? हाँ, वो इंस्टेंटली तभी चालू हुआ था जब वो उसमें डाउनलोडिंग चालू हुई थी, अब मैंने बंद कर दिए तो वो अब सब सही है। ठीक है, तो अब ये निकाल सकते हो ना, अब इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। देखो सभी से 4 तो कॉमन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 36 का स्क्वायर, या आ जाएगा 48 का स्क्वायर, या आ जाएगा 25 का स्क्वायर। स्क्वायर अब ओपन कर देना, निकाल लेना अब जो भी आए। ठीक है, तो 65 आ जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम में किसी को सब कुछ समझ में आ गया ना? ये सब अभी रिसेंट ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन है जो मैंने आपको शेयर किए हैं, मान लीजिए 2018 19 के ही होंगे। तो आपको बस कैसे अटेम्प्ट करना है प्रॉब्लम, आप देखोगे एक जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर साल हम प्रॉब्लम करते हैं, आज का नहीं है, हर साल करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सेकंड प्रॉब्लम में स्विच करें। चलो ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखिए। देखिए सेकंड प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ए वेक्टर सी वेक्टर गिवन है और वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओ, क्या करें? एनी सजेशन चैट बॉक्स में लिखिए जरा। अरे नहीं, अरे बेटा सब बेकार कर दिया आप लोगों ने। क्रॉस और डॉट गिवेन हो तो एक मैंने तुम्हें आइडेंटिटी लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, इतनी जल्दी भूल गए? मेरा नाम डुबा दोगे तुम लोग सही में। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर, इतना मैंने कहा था, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, रट लो रट लो रट लो। लेकिन हम तो रटेंगे नहीं भाई, ये तुम लोगों ने कसम खा के रख ली है। अब देखो सभी की वैल्यू तुमको मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, √2। ए डॉट बी कितना है, 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √3। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो 11/3 इसका स्क्वायर रूट। कुछ क्लियर हुआ क्या बेटा? तुम लोगों को इतनी मेहनत से, इतने सब चीजें रिसर्च करके तुमको बताते हैं कि पिछले 5 साल में, 4 साल में क्या हुआ है, 3 साल में क्या हुआ, कौन टीचर ऐसा बताता है बताओ जरा मुझे, एक भी बता दो, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी टीचर। कम से कम याद रखा करो, कोई चीज में लिखाता हूँ इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेंस के लिए जिस जिसके लिए बताए हो, मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट है। खैर कोई नहीं, अभी और मौका मिलेगा तुमको अपना, हमको भूलना नहीं है, होता है पहली बार, होता है पहली बार हम मिस्टेक करते हैं कि हम भूल गए, लेकिन बार बार भूलना नहीं है हमको। ठीक है थर्ड वाला देखिए, ये वाला देखो, ये क्या आया है, 15 अप्रैल 2018 को आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन भी 18 का ही था। देखो देखो 16 अप्रैल का है और ये कब का है, 15 अप्रैल का है। तो देखो
ए प्लस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो है, तो मुझे तो ए और सी को एक साथ रखना है, बी को हटा देना है, ये हो गया, स्क्वायर कर देता हूँ, क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस फोर सी का स्क्वायर प्लस फोर ए डॉट सी, फोर बी का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये वन हो गया, ये फोर हो गया, ये फोर ए डॉट सी इज इक्वल टू फोर, तो ए डॉट सी आ रहा है -1/4। ठीक है, बाकी फिर आइडेंटिटी का कमाल, ए डॉट सी का स्क्वायर ए क्रॉस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये हो गया 1/16। ये हमें निकालना है, ये वन वन हो गए, ए क्रॉस सी का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 -1/16 दैट इज 15/16, तो स्क्वायर रूट ले लेना तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड दैट इज √15/4। क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा वेक्टर को हमको हटाना है, जैसे हमें ए और सी के बारे में ए क्रॉस सी या ए डॉट सी निकालना है, तो बी का कोई रोल ही नहीं है, तो बी को हटाओ, तो बी को राइट हैंड साइड में लिखो और स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर होता है वन, तो यूनिट वेक्टर लिखा है तो वो हट जाएगा, आंसर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमसे बनेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शो करता हूं आपको, लिख लिया आप लोगों ने इसको, लिख लिया सभी लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन, वो आपको वो अटेम्प्ट करना है। बेटा आप आंसर निकालिए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मत लिखिए, आंसर निकालिए, आप ऐसे एग्जाम में समझिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको आंसर निकालना है। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन, काफी बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है मुझे, खैर देखते हैं, तो ए क्रॉस सी और ए डॉट सी दिख रहा है, तो ए क्रॉस सी का स्क्वायर प्लस ए डॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए क्रॉस सी कितना है, माइनस बी का स्क्वायर,
ध्यान रखो इससे वेक्टर नहीं आता, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। मैं तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री हो गया। ए डॉट सी फोर गिवेन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आ जाएगा। तुम सभी बच्चे हनुमान जी की तरह हो, जब तक तुम्हें जगाया नहीं जाए तब तक तुम्हें अपनी शक्तियों का कोई मालूम ही नहीं रहती है। हमें नॉलेज है, हम कॉन्फिडेंट रहे, हमको भी कुछ नॉलेज है, बाकी बच्चे की तरह हम गधे नहीं है, हमको कुछ आता तो है। हमको जगाना पड़ता है कि भाई जागो, तुम पावरफुल हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, और भूल जाते हो चीजें। कुंभकर्ण नहीं हो यार, हनुमान जी थे जिनको बचपन में शक्ति भूल गए थे कि वो पावरफुल है। चलो ठीक है, ये वाला नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो टेलीग्राम में जो है, ये वाला अटेम्प्ट करो। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्या लिखा था, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, दैट इज ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ए प्लस बी आप निकाल लो, ए प्लस बी कितना होगा, तो सिंपल सा ऐड करना है, फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप ये हो गया। क्रॉस ए माइनस बी निकाल लो तो टू आई कैप प्लस फोर के कैप हो जाएगा, तो ये आ रहा आई जे के फोर फोर जीरो टू जीरो फोर, दैट इज सिक्सटीन आई कैप माइनस सिक्सटीन जे कैप
-8 kk। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा, मॉड लैम्डा अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ये कितना है हमको लिखा है, 12 है। इससे 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 8 × 3, तो यार है हाफ। तो लैम्डा आ रहा है ±1/2, तो आर वेक्टर हो जाएगा ±1/2 16i cap - 16j cap - 8k cap, दैट इज 8i cap - 8j cap - 4k cap। ठीक है, इससे 4 कॉमन निकाले ना, आपका आंसर आ जाएगा, नील डॉट प्रोडक्ट से कभी भी वेक्टर नहीं आता है, आप डॉट प्रोडक्ट से इसको नहीं निकाल पाएंगे। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर वैल्यू आती है, वेक्टर कहां से आ जाएगा, तो अब इससे 4 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 2i cap - 2j cap - k cap, 2i cap - 2j cap - k cap, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। बताओ, एक जैसे ऑप्शन है, यदि थोड़ा सा भी तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की तो पक्का गलत कर दोगे, पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होके कैलकुलेशन किया करो इसमें। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनी और ऑप्शन आ गया, हाँ मतलब वेक्टर नहीं आएगा, आप कोई इक्वेशन फॉर्म करिए, फॉर एग्जांपल ए डॉट सी आ गया, फिर ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए कि ए डॉट सी आपका वाला जो आया और जो ऑप्शन में लिखा है किस में मैच कर रहा है, वो कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं आ पाएगा, डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर नहीं आता है, वो आप कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, और कोई बचा है क्या, हाँ एक और है, ये वाला और अटेम्प्ट कीजिए, लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, सॉरी ये तो हो चुका है, हाँ अल्फा बीटा गिवन है, बीटा गिवन है β1 - β2, तो β1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। अच्छा बताओ बेटा, β1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, क्या लिखोगे β1 को, लैम्डा टाइम्स अल्फा, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और β2 को क्या लिखोगे फिर, तो β2 हो जाएगा β1 - β,
तो बीटा वन हो गया लैम्डा वन अल्फा, और लैम्डा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो, क्यों? बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो बीटा टू डॉट अल्फा जीरो हो जाएगा, तो उससे लैम्डा आ जाएगा। निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता है ना बेटा, अल्फा डॉट बीटा, आई आई कैप का प्रोडक्ट करो, जे जे का करो, तो आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 आ गया। तो बीटा वन कितना है लैम्डा अल्फा क्रॉस, बीटा टू कितना था लैम्डा अल्फा माइनस बीटा, इनका क्रॉस करो जरा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अल्फा क्रॉस अल्फा माइनस लैम्डा अल्फा क्रॉस बीटा, तो अल्फा क्रॉस अल्फा तो जीरो ही हो जाएगा, लैम्डा अल्फा क्रॉस बीटा निकाल सकते, आई जे के 3 - 1 - 0 - 2 - 1 - 3। तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 1/2। ये आंसर हो गया, लाइट ऑन कर लेता हूँ। देखिए बेटा समझ में आया, लास्ट पार्ट में मैंने बीटा वन क्रॉस बीटा टू किया है, बीटा वन वेक्टर क्या है, ये है बीटा वन वेक्टर, ये है बीटा टू वेक्टर, ये है, इनका क्रॉस कर दिया, तो लैम्डा को लैम्डा अल्फा को क्रॉस करोगे तो अल्फा क्रॉस अल्फा ए क्रॉस ए तो जीरो ही होता है ना, तो फर्स्ट वाला जीरो हो गया, लैम्डा अल्फा क्रॉस बीटा कैसे आएगा, अल्फा वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, बीटा वेक्टर गिवन है, बस क्रॉस करके निकाल लो। क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से निकालते हैं ना, तो डिटरमिनेंट का यूज करो निकाल लो। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ रहा है,
लिख लिया सभी लोगों ने। हाँ ठीक है, वेक्टर इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं क्या है, लेकिन ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन लेट्स से आ जाए, फर्स्ट है आर डॉट ए वेक्टर इज जीरो, क्या कंक्लूड करोगे, क्या कह सकते हो? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आर वेक्टर में भी जीरो, ए वेक्टर में भी जीरो, या फिर आर वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पॉसिबिलिटी ही सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन हमको सारे पॉसिबल केसेस से सोचना होता है। अरे बेटा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। आर क्रॉस ए वेक्टर बताओ जीरो कब होगा? आर जीरो हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, या फिर आर वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हो सकता है, दैट इज आर वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर ले सकते हैं, मतलब कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, लाइक और अनलाइक वेक्टर हो सकते हैं, कोई भी पैरेलल वेक्टर होंगे। आर वेक्टर मैं अभी ये बता देता हूँ, आर वेक्टर जी जनरल वेक्टर, आर वेक्टर जी अननोन वेक्टर, जिसको हमें एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इस तरह से करना नहीं है हमको, लेकिन जिसे जी अननोन वेक्टर जो हमें निकालना होता है या उसके निकालने वाला क्वेश्चन आता है। अभी तो खैर मैं पॉसिबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी सीखना सिखाऊंगा, अननोन अननोन के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि हम इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करें, क्या क्या हम सोच सकते हैं उसमें। तो बताओ जरा, बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, देखो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, क्रॉस को पहले लिखूंगा। अरे बेटा समझो समझो समझो, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, माइनस आर क्रॉस बी लिख सकता हूं ना, दोनों वेक्टर को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस आ जाएगा। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर आर क्रॉस है, यहां भी आर क्रॉस बनाओ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में आर क्रॉस पहले बनाओ, तभी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आर क्रॉस कॉमन तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो आया। अब बस अभी अभी मैंने सब क्रॉस वाले डॉट वाले बताए, या तो आर वेक्टर जीरो हो, या तो ए प्लस बी जीरो हो, या फिर आर वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी हो, दैट इज वी कैन साइड आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है? इंटीजर टाइप एडवांस में आए हुए हैं जो ये क्वेश्चन है इस तरह के। आप कहोगे सर आपने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बेटा यही क्वेश्चन आते हैं, बस तुमको कॉन्फिडेंट रखना है अपने आप को, जो जितना आराम से तुमने समझा है वैसे ही तुम एग्जाम में भी करके आओ।
आया समझ में? आ गया तो नेक्स्ट वाला कंक्लूजन अब तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, तुम करोगे। आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा अपनी कॉपी में कंक्लूड करो, मैं चेक जब मैं समझाऊंगा तो देख लेना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, क्रॉस बी क्रॉस बी, ये दिख रहा है कॉमन, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और क्रॉस बी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर माइनस ए बचेगा क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। कंक्लूजन, आर माइनस ए जीरो हो यानी आर इक्वल टू ए हो, या फिर बी वेक्टर जीरो हो, या फिर आर माइनस ए पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, दैट इज आर वेक्टर लिख सकते ए वेक्टर प्लस लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बेटा चैट बॉक्स में इतना सारा मत लिखा करो, तुम इसी में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो अपनी कॉपी में कब लिखोगे? फिफ्थ वाला देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर है। आता रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखो। खैर आते तो कोई, ये सारे ही आते रहते हैं, पांच तो पांच ही तो मैं करा रहा हूं। अब समझिए, फिफ्थ वाला समझना है, फिफ्थ वाला हम सबको समझना है। देखो यहां पर इसको कंक्लूड, इससे कंक्लूजन क्या करेंगे, सी वेक्टर क्या होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। इससे कंक्लूजन क्या करेंगे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा और ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होगा। हेंस वी कैन से ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जो भी तुम्हें लिखना हो। अब ऐसा भी लिख सकते, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्या होगा, जीरो होगा। एक ऑप्शन वो ऐसा बना के दे सकते हैं, ठीक है।
आप समझते हैं। अब ये क्योंकि इनमें मैं लगा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें मैं लगा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू है सी, ये जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, मैं दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड लेता हूँ, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए लिखा है, तो मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो ये जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। अब फर्स्ट डिवाइड सेकेंड कर लेते हैं, तो बी बी कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर। एक ये भी आ सकता है ऑप्शन, ये मल्टीपल करेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब इसको फर्स्ट ऑप्शन में पुट कर दो, तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर ही हो गया, तो कैंसिल आउट होके मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 1। तो ये है, तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ऑप्शन में लिखे मिल सकते हैं।
बेटा ये वाला प्रॉब्लम करो, एडवांस का प्रॉब्लम है ये, आपको अटेम्प्ट करना है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, बी थ्री गिवन वेक्टर्स, इफ आर वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन पर भी इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का रिसेंट ईयर का। इससे क्या कंक्लूड किया, आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो आर माइनस सी जीरो तो होगा नहीं क्योंकि आर इक्वल टू सी होगा तो सी डॉट ए जीरो तो गिवन नहीं ना, आर माइनस सी या तो जीरो होगा तो आर इक्वल टू सी आ जाएगा, तो आर डॉट ए क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना, तो ये इससे जीरो नहीं आएगा इसलिए गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो इससे सी डॉट ए, अब ये सी डॉट ए तो जीरो है नहीं ना, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। सेकंड केस, बी जीरो, तो बी तो गिवन नहीं है जीरो, तो बी तो जीरो नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तीसरा सिचुएशन ये आएगा कि आर माइनस सी पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाए, तो आर माइनस सी होगा लैम्डा टाइम्स बी, तो आर वेक्टर आ गया सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो आर डॉट ए करता हूँ क्या आ जाएगा, सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो सी डॉट ए निकालो जरा,
तो आ जाएगा -1 -3 दैट इज -4। बी डॉट ए निकालो तो आ जाएगा -1, ठीक है, तो लैम्डा आ रहा है -4। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर -4 b वेक्टर। तो मुझे निकालना क्या है, आर डॉट बी, तो जाएगा सी डॉट बी -4 b डॉट बी। बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब बी का स्क्वायर हो गया। तो सी डॉट बी कितना है, अब सी डॉट बी निकालो जरा, तो आ जाएगा -1 + 2, तो 1 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, √2। ये बी डॉट ए गन है, ये गलत कर दिया मैंने। λ 4 आएगा, तो ये 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √2, तो √2 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9। ये सही है, 9 आंसर है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 20। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स टू ए प्लस 3b एंड ए माइनस बी।
हाफ ए क्रॉस बी आएगा कितना 20, और हमको जो निकालना है एरिया तो क्या होगा 1/2 2a+3b का क्रॉस a-b का क्रॉस, ठीक है, ये है 2a+3b क्रॉस a-b, ये हमें निकालना है। तो क्रॉस करो 1/1 2a क्रॉस a-2a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस a-3b क्रॉस b, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है -2a क्रॉस b-3a क्रॉस b, दैट इज आ गया 5 × 1/2 a क्रॉस b। अब 1/2 a क्रॉस b कितना है 20, तो आंसर कितना आ गया 100। लिख लिया, ठीक है। तो वेक्टर के क्वेश्चन का, वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन हमने काफी क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारा सिलेबस है बीटेक का, ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तक हमारा बीटेक का सिलेबस है। ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखते हैं, हेडिंग ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी सी, अभी तक हमने दो वेक्टर का करते थे, अब हमें तीन वेक्टर का करना है। तो तीन वेक्टर के बीच में डॉट और क्रॉस को इंसर्ट करो, बताओ क्या क्या बन सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, हो सकता है ना। तो बताओ फर्स्ट वाला सही है गलत है। तो फर्स्ट वाला देखो, ए डॉट बी लेट से हमने किया, तो ए डॉट बी से क्या होगा, ए डॉट बी से आएगा स्केलर, और स्केलर और वेक्टर का डॉट नहीं होता है, ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कहा जाए 2a वेक्टर लिखेंगे, 2.a वेक्टर गलत है, ये गलत है, आया नहीं आया समझ में, 2.a ये गलत है लिखना, क्योंकि डॉट या 2 क्रॉस a ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, ये सही है, केवल सिंपली 2a लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं लिखेंगे हम, तो ये मीनिंगलेस है।
ठीक है, मीनिंगलेस है, मतलब ऐसा लिख ही नहीं सकते, इसलिए बेकार है। यदि ऑप्शन में लिखा हो मतलब वो सिंपली रिजेक्ट हो गया ना ऑप्शन। अच्छा अब सेकंड वाला एक्सप्रेशन पे आते हैं, तो ए डॉट बी तो नहीं कर सकते, स्केलर आएगा, स्केलर के साथ क्रॉस करना गलत हो जाएगा, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना। तो जब हमारा मीनिंग हो, जब हमको गिवेन हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखा हो, इसका मतलब इसका मीनिंग होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमको किसी भी हालत में बनाओ एक्सप्रेशन को मीनिंगलेस मीनिंगफुल बनाओ। इसमें इसका मीनिंग है पहले क्रॉस करेंगे बाद में डॉट करेंगे, क्योंकि डॉट से स्केलर बन जाता है। इस तरह का आता है तो फिर हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि किसका क्रॉस पहले करना है, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा आप किसको क्या कहते हैं ये वो समझो, इन्हें कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, क्योंकि इससे फाइनल वैल्यू स्केलर आएगी। ए क्रॉस बी डॉट सी करोगे तो स्केलर वैल्यू आएगी। और इनको कहते हैं, जो ये दो लिखी है, इन्हें कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी। ठीक है, तो आज हमको एसटीपी देख रहे हैं। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी। तो ए हो गया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, ये होता है डिटरमिनेंट में आई जे के, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री डॉट कर दो। तो ए वन आई कैप से ए वन ही आएगा, रिमेनिंग तो जीरो हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए वन आ जाएगा, यहाँ पर ए टू आ जाएगा, यहाँ पर ए थ्री आ जाएगा, ये बी वन बी टू बी थ्री, ये आ जाएगा सी वन सी टू सी थ्री। बच्चों पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी समझ में आया ना, कि आप किसको क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला, ये समझ में आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। ठीक है, आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखिए, ये डॉट प्रोडक्ट किया है बेटा, आई आई का प्रोडक्ट करते ना, आई और जे का प्रोडक्ट तो जीरो ही होता है, तो आई आई का प्रोडक्ट कर दो, जे जे का कर दो, के कर दो। तो आई आई का करोगे तो ए वन आई कैप और आई कैप, तो ए वन आ जाएगा, ए टू जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट तो ए टू आ जाएगा, इसी तरह से करते जाओ।
अब इसमें मजे की बात यह है कि ये सब वैल्यू सेम आती है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो और चाहे तुम निकालो ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, ये दोनों वैल्यू सेम आती है। कैलकुलेट तो कर सकते हो ना। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बॉक्स से। इसे रीड करते हैं बॉक्स ए बी सी, इसको हमें ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स रीड कैसे करते हैं, इसे रीड करते हैं बॉक्स ए बी सी। अब बॉक्स जब ए बी सी लिखा हो तो तुम चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी करो या ए क्रॉस बी डॉट सी करो, बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकल लिखेंगे आई कैप जी कैप के कैप टर्म में, फिर उसमें डॉट लगा देंगे सी का, तो वैल्यू सेम ही आती है दोनों। अब नोट लिखिए, ठीक है। तो ये बॉक्स तो समझ में आ गया ना, बॉक्स ए बी सी को क्या लिखने, या तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट, बॉक्स ए बी सी में साइक्लिक ऑर्डर पे वैल्यू सेम रहती है, मतलब एक एक शिफ्ट करते जाओ तो वैल्यू सेम रहेगी, साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू सेम रहती है, ये वैल्यू सेम आती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइक्लिक ऑर्डर पे तुम लिखते जाओगे तो वैल्यू सेम आएगी, ए क्रॉस बी डॉट सी या बी क्रॉस सी डॉट ए या सी क्रॉस ए डॉट बी, सब वैल्यू सेम आती है। आया कैसे, ये सिंपल है, देखो अल्टीमेटली बॉक्स ए बी सी एक डिटरमिनेंट होता है, तो डिटरमिनेंट में यदि हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन हम यदि दो दो रोज को दो बार इंटरचेंज कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू अनचेंज रहेगी, तो वही होता है। तो बॉक्स ए बी सी का मीनिंग ये है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ होगा बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ पे क्या होगा सी वन सी टू सी थ्री, इसमें क्या होगा बताओ जरा। दूसरे वाले में यहाँ बी वन बी टू बी थ्री होगा, यहाँ होगा सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ पर होगा ए वन ए टू ए थ्री। अच्छा बताओ जरा, पहला क्या ये दोनों डिटरमिनेंट अलग अलग है क्या, कैसे आएगा? इसमें देखो क्या करना है, इसको मुझे यहां लाना है, तो इनको इनको इंटरचेंज मैं कर देता हूं, ए वन ए टू ए थ्री, यहां पर आ जाएगा बी वन बी टू बी थ्री और ये रहेगा सी वन सी टू सी थ्री, तो ये माइनस आ जाएगा एक, और फिर इनको इंटरचेंज कर देना इनको, फिर प्लस हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, हो गया। तो दोनों सेम ही है, तो साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना। बार बार हम डिटरमिनेंट नहीं लिख सकते ना, अब बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए याद रखो साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू सेम होती है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इन सबकी वैल्यू सेम।
सेकेंड पॉइंट, बॉक्स ए बी सी में यदि मैंने दो वेक्टर को चेंज किया, फॉर एग्जांपल ए सी बी कर दिया, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ए बी सी की जगह यदि मैंने ए सी बी कर दिया तो ए बी सी की जगह यदि मैंने ए सी बी कर दिया तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर को इंटरचेंज करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में पूरा चेंज करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम आती है। तीसरा, यदि बॉक्स ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उसे कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। जैसे आई जे के होता है ना, तो आई जे के का जो बॉक्स होता है वो वन आता है। आई जे के का जो बॉक्स होता है वैल्यू पॉजिटिव आती है वन, इसलिए इसे कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। और यदि बॉक्स ए बी सी की वैल्यू निगेटिव है तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। देखो बेटा, मैंने तीन पॉइंट पहले लिखा है, क्या इन तीनों पॉइंट में आपको सब कुछ समझ में आया? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी बच्चों को? बहुत अच्छे। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि यदि दो वेक्टर सेम हुए तो वैल्यू क्या आएगी, बताओ, तुम ही बताओ क्या आना चाहिए। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, कोई भी दो वेक्टर, दो वेक्टर सेम होने का मतलब क्या होगा? दो रो सेम का मतलब वैल्यू आएगी जीरो। जैसे ये आ गया ए प्लस पी वेक्टर इजिकल ए प्लस पी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट के थ्रू स्प्लिट कर सकते हैं, किसी एक के अबाउट ही स्प्लिट कर सकते हैं, दो के अबाउट नहीं। देखो कैसे ये होगा, ए प्लस पी डॉट बी क्रॉस सी होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा प्लस पी डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो ये हो गया बॉक्स ए बी सी
प्लस बॉक्स पीबीसी। तो एक एलिमेंट को आप स्प्लिट कर सकते हो, एक एलिमेंट में, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ए और पी में अलग अलग स्प्लिट कर दिया, रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा, डिटरमिनेंट में करते थे ना, डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं अबाउट एनी वन रो और वन कॉलम, एक रो या कॉलम के अबाउट में स्प्लिट कर सकते हैं, रिमेनिंग रोज और कॉलम विल रिमेन एज इट इज। एक कॉलम को आप स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, या फिर उल्टा रिवर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, एक एलिमेंट के थ्रू ही आप स्प्लिट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, रिमेनिंग वेक्टर मस्ट बी सेम। अच्छा बेटा, अब आया बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये होता है 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। हमें रट लेना है, अब देखो आया कैसे है, लिख लिया सभी लोगों ने, यहां तक लिख लिया सभी लोगों ने, लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब समझना है बेटा, लिखना नहीं, अब समझो। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट को स्प्लिट कर देता हूं, फर्स्ट को स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। आगे समझ में, लिखना नहीं पहले समझना है और बताते जाना है समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, सेकेंड एलिमेंट को ए बी सी प्लस ए, और दूसरा हो गया ए सी सी प्लस ए। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने स्प्लिट किया हुआ है। प्लस इसको मैं अब स्प्लिट कर देता हूँ, तो बी बी सी प्लस ए प्लस बी सी सी प्लस ए। ये काम तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, मैं पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, इसलिए मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ। आ गया? अच्छा बेटा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो जीरो ही आएगा ना, थर्ड कॉलम को यदि मैं स्प्लिट करूंगा तो जीरो ही आएगा ना, ए सी सी हो या ए सी ए हो तो जीरो ही आएगा। अच्छा, इसको मैं स्प्लिट करता हूं तो क्या आएगा, ए बी सी, और दूसरा क्या आएगा, ए बी ए आएगा, वो जीरो हो जाएगा।
देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ए बी सी प्लस ए को स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी और ए बी ए आएगा, तो ए बी ए तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये तो जीरो हो गया, ये वाला तो जीरो हो गया, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ बी सी, फिर सी करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो बी सी ए। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आ रहा है ये ए बी सी प्लस बी सी ए, ये तो दोनों सेम ही होते हैं ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हो गया टू टाइम्स ए बी सी। अभी आप लिखिए फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा बेटा आप देखो ये काम हम जल्दी से कर सकते थे, हमको ध्यान रखना है बॉक्स की वैल्यू जीरो कब हो जाती है, जब तीनों में से कोई भी दो या तीन वेक्टर सेम हो जाए। तो हमारा काम क्या है, तीन अलग अलग वेक्टर सोचना, अलग अलग वेक्टर। अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ जल्दी जल्दी, एक लाइन में यहां से ए लिया, यहां से बी लूंगा, यहां से क्या लूंगा सी। यदि मैंने यहां से सी लेता तो सी प्लस ए है ना थर्ड में, तो कुछ आएगा आता ही नहीं, ए बी सी हो गया। अब दूसरा वाला सोचो, यहां से बी लिया, यहां से फिर सी लेना पड़ेगा, बी तो ले नहीं सकता, सी लिया फिर यहां से ए लूंगा, हो गया ए बी सी, दूसरा होगा बी सी ए, और कोई बना ही नहीं सकते, तीन डिफरेंट वेक्टर वाला और कोई नहीं बना सकते, केवल दो ही बना सकते, ए बी सी और एक बी सी ए वाला, एक मैंने जो रेड से मार्क किया और एक जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है।
आ गया समझ में? तो मैं तुमको एक और ए बॉक्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये क्या होगा? हाँ बेटा, ये वैल्यू 0 होगी। देखो आएगा क्या, जो अभी मैंने बताया था, फर्स्ट वाला वेक्टर, ये वाला, ये तीनों एक साथ कर लिए तो बॉक्स ए बी सी आएगा, प्लस माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया। इससे क्या होगा, तो बॉक्स ए बी सी तीनों से माइनस माइनस आएगा, तो तीन इससे माइनस माइनस बाहर निकालो तो आ जाएगा, और ये दोनों सेम होते हैं तो कट होने के बाद आ जाएगा 0। अच्छा ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, लैम्डा ए म्यू बी या अल्फा बीटा गामा कर लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा मिले अल्फा ए बीटा बी गामा सी, तो तुम अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा ए बी सी। किसी भी रो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई है तो उसे तुम बाहर निकाल सकते हो ना, उसी तरह से इसमें भी वेक्टर में कोई है तो वो कौन? बेसिकली पूरी रो को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है वेक्टर। तो ए वेक्टर का मतलब होता है पूरी कंप्लीट रो लिखी हुई है, तो यदि उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई है तो अल्फा तो तुम बाहर निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ए प्लस टू बी है, टू बी प्लस थ्री सी है, थ्री सी प्लस ए है, बताओ आंसर। इसका आंसर है 12 ABC। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ये क्या होगा, यहां से ए वेक्टर लिया तो यहां से टू बी, यहां से थ्री सी, यहां से टू बी, यहां से थ्री सी, यहां से ए, तो ये आ रहा है 6 ABC प्लस 6 BCA, तो
हो गया 12 ABC। ये हमको याद रखना है, इसका प्रूफ मैं आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कराऊंगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है। इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज होता है, तो वो मैं अभी आगे कराऊंगा, अभी तो फिलहाल आपको रट लेना है। ये होता है बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। सेकेंड पॉइंट ये भी हमको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये होता है, एक एक का डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट सी, ए डॉट डी, क्योंकि इनकी सबके प्रूफ काफी लेंदी लेंदी होते हैं, इसलिए इसको प्रूफ अवॉइड करो, ये काफी बड़े बड़े प्रूफ होते हैं अननेसेसरी। अब देखो मुझे चार वेक्टर एज्यूम करने पड़ेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। उसी तरह से ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इसी तरह से बी सी डी एज्यूम करो, उनका क्रॉस करके वो डिटरमिनेंट में फॉर्म में लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। अननेसेसरी बहुत लेंदी है, जैसा बताया वैसे रट लो। बॉक्स ए बी सी है और बॉक्स पी क्यू आर है, मतलब दो बॉक्सेस का प्रोडक्ट। दो बॉक्सेस का प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये होता है डिटरमिनेंट में वन, एक एक करके वेक्टर को मल्टी डॉट प्रोडक्ट लो, ए डॉट पी, ए डॉट क्यू, ए डॉट आर, ए डॉट पी, ए डॉट क्यू, ए डॉट आर, बी डॉट पी, बी डॉट क्यू, बी डॉट आर, सी डॉट पी, सी डॉट क्यू, सी डॉट आर, ये होता है। ध्यान रखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अब बच्चे लोग फंस जाते हैं डॉट, क्योंकि बॉक्स पूछते हैं क्वेश्चन में गिवन होता है डॉट की वैल्यू, और पूछते हैं बॉक्स की वैल्यू तो फंस जाते हैं। तो यदि तुमसे कहा जाए बॉक्स ए बी सी की वैल्यू निकालो और गिवन है डॉट प्रोडक्ट,
तो समझ जाना इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, वन बाय वन डॉट प्रोडक्ट करोगे फिर इनकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, पुट कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसलिए ध्यान रखना। वन बाय वन डॉट प्रोडक्ट करो, ए का पहले ए का ए से करो, ए का बी से, ए का सी से, फिर बी का करो, फिर सी का करो, तीन रो बन जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में कहने का मतलब यह है कि डॉट प्रोडक्ट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डॉट प्रोडक्ट, और निकालना है क्या, निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट। वी हैव टू फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। ये क्वेश्चन है, तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत हमको फटाक से याद आना चाहिए, क्योंकि यदि ये याद नहीं आया तो समझ जाओ क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, फिर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं रहेगा ना, 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं रहेगा। तो ये हमें इसलिए क्या है, ये बहुत ही लेंथी लेंथी सबके प्रूव है, तो इसको हमें याद ही करना है, याद रखना है। जब इनको याद रखोगे तब जाके तुम क्वेश्चन एडवांस के मेंस के जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, यदि ये याद नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन सब लेंथी लेंथी जाएंगे, जल्दी जल्दी कोई सॉल्व नहीं होगा। आगे समझ में बेटा, यहाँ तक अब लिखिए इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड तो पैरेललोपिपेड क्या होता है, आप यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाइए, मतलब आपका फ्लोर पैरेललोग्राम है और आपकी छत पैरेललोग्राम है, इनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो उससे आ जाता है जो डायग्राम बनता है उसे कहते हैं पैरेललोपिपेड।
ये है ऑरिजिन, लेट से एज्यूम कर लिया मैंने, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। यहां तक बी वेक्टर है, ध्यान रखो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी, पहली बात तो ज्योमेट्री समझ में आई ना, पैरेललोपिपेड का मीनिंग क्या है बेटा? राइट एंगल में नहीं है, राइट एंगल होता है तो उसे कहते हैं क्यूबॉइड। सॉरी, साइड के बीच का एंगल, प्लेन, साइड प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसे कहेंगे क्यूबॉइड। वो है पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम में ये वाला एंगल 90 डिग्री होना कोई जरूरी थोड़ी ना है। बेस जो ज्योमेट्री है, वो जो बेस है वो पैरेलोग्राम है, ऊपर वाला पैरेलोग्राम है, ज्वाइन कर दो करस्पोंडिंग वर्टेक्स को, तो इनक्लाइंड फॉर्म में आएगा, इनक्लाइंड फॉर्म में क्यूबॉइड आएगा। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया कितना होगा बेटा? देखो बेस एरिया होगा बी क्रॉस सी से, और हाइट है लेट से एच। ये क्रॉस नहीं है, ध्यान रखो, क्रॉस, यदि क्रॉस से कंफ्यूजन हो रहा है तो हटा दो, ये डॉट लगा दो, डॉट से भी हो रहा है तो उसको भी हटा देना। एच मतलब ये हाइट, ये यहां से यहां तक की, ये यहां से लेकर यहां तक एच है। अच्छा बताओ एच क्या होगा? एच होगा B क्रॉस C के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेट से मैं ले लेता हूं n कैप है, ठीक है। अच्छा देखो, तो B क्रॉस C को मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C डॉट n कैप लिख सकता हूं ना, इनटू n कैप, तो n कैप आ जाएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। पहला तो ये हो गया, और समझिए ये H जो है वो है A वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग n कैप, तो ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट n कैप। तो H क्या होगा? A वेक्टर डॉट B क्रॉस C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C, तो ये आ गया। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, बॉक्स ये हो जाएगा, बॉक्स ABC हो जाएगा H में, डिवाइडेड बाय B क्रॉस C, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम आ रहा है बॉक्स ABC। ये हमें रट लेना है, ठीक है, इतना डेरिवेशन कोई नहीं करता है, डायरेक्टली याद रखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड होता है बॉक्स एबीसी। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो भी रट लेना है, कोई डेरिवेशन कोई यूज नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली सबको रटना ही है। तो बॉक्स एबीसी होता है, बॉक्स एबीसी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ए पैरेललोपिपेड हुज थ्री कोटर्मिनस या कोट इनिशियल साइड्स आर ए बी सी। वो मैं लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, पहले आप लिख लीजिए इसको।
देखो वॉल्यूम लिख लिया यहां तक। देखो वॉल्यूम ऑफ ए पैरलोपाइपेड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरलो पाइपेड हुज थ्री कोटर्मिनस एजेस आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज गिवन बाय बॉक्स एबीसी। सेम पॉइंट पे एंड होती हो या सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हो? जनरली क्वेश्चन में को टर्मिनस वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैंने भी यूज कर लिया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आज समझ के रखो, आ गया क्वेश्चन इसी पे आने ही वाला है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देन बॉक्स ए बी सी होगा जीरो, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी ना। ए बी सी देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी एक प्लेन में तुम तीन अपनी कॉपी में तीन तीन पेंसिल रख लो या तीन पेन रख लो। अच्छा एक ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? जो ए क्रॉस बी क्या होगा? वेक्टर होगा जो तुम्हारे पेन जो यहाँ पे पेज के परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अरे ये उंगली है, जूम करो, ये देखो देखो ये उंगली है, आपको दिख रहा है ये ना उंगली? ये देखो उंगली है, ये तीनों एक प्लेन हो गई। पहले दोनों का क्रॉस करोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये छिंगली, ये इस तरह से मैं कर देता, ये है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री होगी, तो आंसर जीरो हो गया, डॉट जीरो आ जाएगा। अरे यार तुम ऐसे समझो ना, अपनी कॉपी के ऊपर तीन, अपनी कॉपी के ऊपर आप तीन पेन रखो, दो का क्रॉस क्या होगा? दो वेक्टर का, दो पेन का क्रॉस होगा जो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो पेज में कोई भी वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो सी के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा? जीरो, मतलब बॉक्स क्या आएगा? जीरो। इस पर बेस्ड बेटा कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 5-6 प्रॉब्लम तो एडवांस में कम से कम रिसेंट ईयर में आए होंगे, और कम से कम 7-8 प्रॉब्लम इसके मेंस में आए होंगे, तो आप मान के चलो ये 15 क्वेश्चन कम से कम इसमें आए हुए हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन, तो ये तो मान के चलो कि हमारे लिए तो बिल्कुल रटने वाला है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देन बॉक्स ए बी सी मस्ट बी जीरो। वो
वाइस वर्सा भी है, ध्यान रखो उल्टा भी है, बॉक्स जीरो मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है या कोप्लेनर है। बोथ वेज ट्रू है, बॉक्स जीरो गिवन है इट मींस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट या फिर कोप्लेनर्स है। राज तुमने गलत किया है ना बेटा, वो ए बी सी कहाँ लिखा है कि कोलिनियर है, कोप्लेनर लिखा है, कोलिनियर थोड़ी ना लिखा है। वो आपने एक स्पेशल केस कंसिडर करके किया है, यदि कोप्लेनर लिखा है तो कोप्लेनर ही हमें कंसिडर करना है, कोलिनियर हो इसका एक स्पेशल केस हो सकता है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। एक और, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, फिर इसके बाद ब्रेक। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अब टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन होता है कि एक ट्रायंगल तुम्हारा जो पेज में है उसमें एक ट्रायंगल बना लो और एक बाहर पॉइंट ले लो, सबको ज्वाइन कर दो। एक अपनी कॉपी में एक इस तरह से पेज बना लो, एक ट्रायंगल बना लो और एक बाहर एक पॉइंट लो या इस तरह से बना लो। पहले मुझे बनाने दो, समझो पहले, फिर उसके बाद बनाना। ये इस तरह से ट्रायंगल बना लिया, बाहर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, प्लेन में नहीं है, कॉपी में नहीं है, बाहर कहीं पर है और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये इस तरह से बनेगी। ओ ए बी सी, जो ए बी सी है वो तुम्हारे प्लेन में है और ओ पॉइंट है प्लेन के बाहर, मतलब तुम्हारे पेज के, पेज में ट्रायंगल बनाया ए, ओ ए बी सी जो ओ पॉइंट है वो पेज के बाहर है, मतलब तुम्हारे पेज के बाहर कोई पॉइंट ऊपर एज्यूम कर लो, ज्वाइन कर दो तीनों वर्टेक्स से, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रन। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3, जस्ट लाइक कॉन, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं वरना वो बहुत टाइम वेस्ट होता है, अल्टीमेटली हमें रटना है। तो ये आंसर आता है कि देखो बेस एरिया में क्या है, ट्रायंगल है तो उसमें 1/2 तो आएगा ही आएगा ना, तो इसका आंसर होता है 1/2 बॉक्स एबीसी। जो बॉक्स एबीसी है मतलब बेसिकली तीन साइड है, कोई भी तीन, इसका आंसर होता है 1/6 बॉक्स एबीसी या फिर 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। वेयर ए बी सी आर थ्री कोटर्मिनस एजेस, ऑफ ए टेट्राहेड्रन। बेटा पिरामिड नहीं है ये, टेट्राहेड्रन कहते हैं इस ज्योमेट्री को, कहते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसका ब्रेक है, तो अब ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन, तो हमारा काम है एसटीपी को आज कंप्लीट करना है, एसटीपी को अच्छे से समझना, एसटीपी के सारे क्वेश्चन अब हमसे बनने लग जाए। ठीक है, तो ब्रेक है, अभी कितना टाइम हुआ, हाँ तो 10 मिनट है, तो 8:15 तक है, 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद एसटीपी के क्वेश्चन।
आ गए बेटा सब लोग वापस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइपेड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज टू, देन फाइंड then find the volume of a determined by vectors first part a plus b 3 times 2 times b plus c three times c plus a a cross b 3 times b cross c four times c cross a हमें क्वेश्चन में बॉक्स ए बी सी गिवेन है, कितना टू गिवेन है, तो ये हो गया टू टाइम्स बी प्लस सी थ्री टाइम्स सी प्लस ए, तो इससे टू इससे थ्री कॉमन तो सिक्स, से बॉक्स ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आ जाएगा। अब ये क्या होता है, ये तुमको अभी मैंने रटाया था, ये होता है टू टाइम्स बॉक्स ए बी सी होता है 12, बॉक्स एबीसी आ गया, बॉक्स एबीसी कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 24। तो फर्स्ट वाला काफी बच्चों ने सही निकाला, फर्स्ट वाला सबका आंसर है 24। ठीक है, बहुत अच्छे।
तो इससे 3 और 4 बार तो 12 आ जाएगा। 12 बॉक्स A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, तो ये हो जाएगा बॉक्स ABC का स्क्वायर। बॉक्स ABC कितना है? 2 है, तो आंसर कितना आ गया? 48। ये भी मोस्टली स्टूडेंट ने सही निकाला है। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट समझ में आ गए सही बच्चों को? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दी वेक्टर्स AI कैप प्लस AJ कैप प्लस CK कैप, आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप लाई इन ए प्लेन, देन ABC आर एन AP GP HP या नन। इफ दीज थ्री वेक्टर लाई इन ए प्लेन, दैट इज दीज थ्री वेक्टर्स आर को प्लेनर, तो हमको बताना है कि ABC किसमें होंगे। अभी सिखाया था ना बेटा, यदि थ्री वेक्टर्स यदि एक प्लेन में है तो उनका बॉक्स क्या होता है? 0। और बॉक्स का क्या मतलब है? डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट को 0 के बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा GP आ रहा है, ठीक है। ये वाला आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट लिखते जाओ। बॉक्स ABC 0 होगा, बस इसको एक्सपेंड कर दो। ACB
सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है बेटा, तो सी स्क्वायर ये ए सी भी कर लेना, ये करेक्शन है थोड़ा, ए सी बी आर एन जी पी, इसमें करेक्शन कर लेना जरा, इस एक्सप्रेशन में करेक्शन कर लेना, ए सी बी जी पी में होंगे, ए बी सी जी पी में नहीं होंगे, ए सी बी जी पी में होंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा है ना, तो ए सी बी जी पी में होंगे। अब नेक्स्ट वाला तुम लोग ट्राई करो, थर्ड वाला। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ए बी सी में आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, कोई रिलेशन है, तो वो इसका मतलब कोप्लेनर होंगे। यदि ए बी सी को आपस में एक्सप्रेस कर सकते हो तो इसका मतलब कोप्लेनर है, और कोप्लेनर में क्या होता है, बॉक्स जीरो होता है। ए वेक्टर वाला कोफिशिएंट ये हो गया, बी वेक्टर वाला और ये हो गया, सी वेक्टर वाला, बॉक्स ए बी सी जो होगा जीरो। अब इसको एक्सपेंड कर दो, मैं अबाउट थर्ड रो एक्सपेंड करता हूं, ये आ जाएगा वन माइनस अल्फा, तो ये जीरो है, बीटा थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो बीटा आ रहा है वन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना है, रूट थ्री, स्क्वायर कर दो तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा वन, यानी अल्फा होगा प्लस माइनस वन, तो अल्फा इज प्लस माइनस वन एंड बीटा इज वन।
आया नहीं आया बेटा समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स एंड लैम्डा इज ए रियल नंबर एंड द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस टू बी प्लस थ्री सी कॉमा लैम्डा बी प्लस फोर सी एंड टू लैम्डा माइनस वन सी वेक्टर आर नॉन कोप्लानर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा देखो बेटा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करते थे ना वो था आई जे के में। इन्होंने क्वेश्चन आई जे के में ना देकर उन्होंने ए बी सी लिख दिया नॉन कोप्लानर वेक्टर। देखो आई जे के भी नॉन कोप्लानर वेक्टर होते हैं क्योंकि हमारी यूजुअल जो प्रैक्टिस होती है वो आई जे के में होती है, तो इसको भी हमको आई जे के में की फॉर्म में ही करना है। बस देखो थोड़ा सा चेंजेस है क्या है, आई ए बी सी आर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर मतलब बॉक्स ए बी सी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हाँ बेटा समझिए, पहले आप समझो। तो ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर मतलब बॉक्स ए बी सी जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा अब हमको जो इसका जो बॉक्स होगा, जो ये तीन वेक्टर का जो बॉक्स होगा, सबसे पहले ये होगा क्या,
ये वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि लिखा है नॉन कोप्लेनर है। पहले ये एक्सप्रेशन समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने लिखी हुई है? अच्छा अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए तुम ऐसा समझो, यदि ए बी सी नहीं लिखा होता, आई जे के लिखा होता, तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखता, मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या लिख देता, ए वेक्टर वाला कोएफिशिएंट वन वन, फर्स्ट फर्स्ट जो होगा 1 2 3, इसमें होगा 0 लैम्डा 4, इसमें होगा 0 0 2 लैम्डा -1, ये आता। यदि मैं ए बी सी की जगह आई जे के कर देता, बस फर्क बस इतना है कि ये इसके बराबर होगा। ऐसे याद रख लो, x1 a1 वेक्टर प्लस y1, या x1 x2 x3 कर लेते हैं, x1 x2 b वेक्टर प्लस x3 c वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है y1 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर प्लस y3 c वेक्टर है, तीसरा है z1 a वेक्टर है, z2 b वेक्टर है, z3 c वेक्टर है। इसका जो बॉक्स होगा दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये आ जाएगा बॉक्स ए बी सी। ये इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा, इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं तो आ जाएगा सिंपल 2 लैम्डा -1 इंटू लैम्डा बॉक्स ए बी सी। ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो बॉक्स ए बी तो जीरो है नहीं, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा -1 शुड नॉट बी जीरो, दैट इज लैम्डा शुड नॉट बी 0 1/2। लैम्डा की वैल्यू ना तो जीरो होना चाहिए, ना तो लैम्डा की वैल्यू हाफ होना चाहिए। सो लैम्डा इज, लैम्डा विल टेक ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 1/2। इसका आंसर है लैम्डा विल टेक ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 1/2। ठीक है, हमारी क्योंकि यूजुअल प्रैक्टिस आईजेके में होती है, यदि एबीसी में आ गया तो तुम इसको इस तरह से ध्यान रखना।
फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी देन प्रूव दैट बॉक्स ए बी सी देन प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ए क्रॉस बी डॉट सी ये क्या होगा, पहले हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इनके बीच का लेट से एंगल ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल है लेट से अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फा, वेयर बीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने डॉट अक्रॉस सब हटा दिए। अच्छा बताइए राइट हैंड साइड की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की मैक्स वैल्यू 1 हो सकती है, कॉस की मैक्स वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉक्स एबीसी होगा। और ये इक्वालिटी कब होगी, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन बीटा इज साइन बीटा 1 हो दैट इज बीटा 90 डिग्री हो और अल्फा कितना हो 0। बीटा 90 का मतलब क्या होगा, ए और बी कैसे परपेंडिकुलर है और अल्फा 0 का मतलब क्या, ए क्रॉस बी और सी पैरेलल है। यदि ए क्रॉस बी और सी पैरेलल है मतलब सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। देखो ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो जो सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। बेटा साइन की मैक्स वैल्यू 1 होती है, कॉस की मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो साइन बीटा जब 1 होगा कॉस अल्फा 1 होगा तभी जाके मैक वॉल्यूम आएगा ना बॉक्स ए बी सी। अच्छा साइन बीटा 1 का मतलब क्या होगा, बीटा होगा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अल्फा 0 का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी और सी पैरेलल है। अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, तो कोई भी पैरेलल बनाओगे तो वो भी उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। सो वी कैन से ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स।
लिख लिया बेटा। देखो लास्ट क्वेश्चन, लेट वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3k कैप। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स यू वी डब्ल्यू इफ फर्स्ट पार्ट यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इन स्पेस। सेकेंड यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। लिख लिया। देखो बेटा बॉक्स यू वी डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो वी क्रॉस डब्ल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना, देखो वी मालूम है डब्ल्यू मालूम है तो वी क्रॉस डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा तो वी क्रॉस डब्ल्यू हम निकाल ही लेते हैं पहले। आई जे के 2 1 माइनस 1 1 0 3 यारा 3i कैप -7j कैप -k कैप। ठीक है। अच्छा तो हमको अब निकालना क्या है, हमको निकालना है यू वेक्टर डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हमने निकाला, ये हमको ये निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, मैक्सिमम वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ 3i -7j -k और इनके बीच की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस कॉस थीटा आएगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये तो 1 है और ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 + 49 + 1 दैट इज ये आ गया √59। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है √59। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर है √59।
डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी होता है ना, तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, था कॉस थीटा मैक्सिमम वन ही हो सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये है जब यू वेक्टर इस तरह से है कि जो 3i-7j-k के पैरेलल होगा बेसिकली, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री होगा। अब दूसरा सिचुएशन है जब वो एक्स वाई प्लेन में होगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर को तुम एज्यूम कर सकती हो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप से। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और ये एक्स वाई प्लेन का वेक्टर है। देखो ये आया नहीं आया समझ में, ये एक्स वाई प्लेन में भी है और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 भी है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आएगा यू वेक्टर डॉट तो ये आएगा 3 cos θ-7 sin θ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर होगा √58। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, उसमें क्वेश्चन में लिखा है ना कि यू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम वी कैन एज्यूम विल सिंपली कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लो और फिर उसके बाद में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लिया सभी लोगों ने?
ठीक है, तो मैं लिख लिया सभी लोगों ने, तो फिर मैं स्क्रीन हटाऊं। तो इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 3D का बेसिक पार्ट चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमको जो करना है वो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में सम मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, मतलब आप प्रीवियस ईयर की बुक लें और उससे डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, हमको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, प्रीवियस ईयर मैंडेटरी है खत्म करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं बचता है क्योंकि क्लासेस का बहुत सारी क्लासेस रहती है। तो कुछ भी करो ना करो, मॉड्यूल करो नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर मैंडेटरीली जरूर कर लो। मैं जब तक तुम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पेपर ही सॉल्व नहीं करोगे तो फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी। तो प्रिपरेशन तभी अच्छी होगी जब आप सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर टाइप कंप्लीट कर लो। मैथ सर के लिए सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप एटलीस्ट फिनिश करो और एडवांस के लिए सारे टाइप करो इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव में जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है उनको सब छोड़ सकते हो, ठीक सर है? तो आज की क्लास में बस यहीं तक ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय।